Jungle. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हो आपका अपना चैनल MS Tech Studio। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ मेरी शॉप पे, यानी जहाँ के मैं वीडियो डालता हूँ और जिस भी का मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ कि आप यहाँ पे अपनी CNG गैस किट लगवा सकते हैं। और आज जो वीडियो ला रहा हूँ, मैं यूनिक वीडियो ला रहा हूँ। आपने लेवेटो गैस किट बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आज मैं जो दिखाने वाला हूँ, आपकी जो भारी गाड़ियाँ, यानी मेरे पास बहुत भाई लोग मेरी वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं रेगुलर कि यार हमारे पास इतनी सिलेंडर की गाड़ी है, उसको मैं अपन LPG गैस किट या CNG गैस किट लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। तो आज एक CNG गैस किट दिखाने वाला हूँ लेवेटो की। उसकी हाँ प्राइस भारी है, आपको 80,000 के आसपास पड़ सकती है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं मेरी वीडियो के अंदर डाल दूंगा, तो आप उसको पे कॉल करके आप वहां से पूछ सकते हो कि फिक्स प्राइस कितनी है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं 8 इंजेक्टर की जो गाड़ी आती है, उसके लिए गैस्केट कौन सी यूज की जाती है और क्या क्या पार्ट आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे दोस्तों, अब मैं दिखाता हूं इसका ECU कैसा होता है, यानी 8 इंजेक्टर जो आता है उसका ECU इस तरीके का होता है। यानी जो अपन के 4 इंजेक्टर वाला था ना ECU, उससे मुझे दुगने साइज का लग रहा है। और यहाँ पे लेवेटो गैस्केट की ये देख लो लोगो भी लगा हुआ है, थोड़ा भारी है और एल्यूमिनियम टाइप का, यानी थोड़ा स्टील बॉडी है इसकी, मजबूत है ये थोड़ा। और आपके भारी गाड़ी है, तो आपकी बड़ी गाड़ी है तो उसके अंदर लगवाओगे तो आपको भारी चीज़ चाहिए। ये इसका वेपोराइजर हो गया, थोड़ी ये भी वजन में यानी भारी है, ये देख लो। ये मैं वजन अभी क्या है मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा, नहीं तो नाप के भी दिखा देता कि कितना अंतर रहता है। ये भी थोड़ा भारी है। और देख लीजिए, आपको जैसे गैस्केट आप लेते हो, आप पैसे भी दे रहे हो, आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, तो एक्स्ट्रा पैसे के हिसाब से आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। और मेरे से आप पूछते भी हो कि यदि भैया यार 50,000 की गैस्केट मेरे लिए सफिशेंट है या 80,000 की। देखो, 50,000 की भी वही काम करेगी, 80,000 की भी वही काम करेगी, लेकिन क्वालिटी का आपको फ़र्क दिख जाएगा। ये देखो, ये इसकी देखो वायरिंग, मैंने बहुत से वीडियो के अंदर दिखाई थी कि लेवेटो की जो वीडियो डाला था उसके अंदर मैंने वायरिंग भी दिखाई थी, तो उसकी वायरिंग इतनी बढ़िया नहीं थी, यानी इतनी बड़ी पैमाने पे जो सर्कुलेश उसकी वायरिंग जो थी वो इतनी भारी भी नहीं थी और इतने पार्ट्स भी नहीं थे उसके अंदर। ये देखो, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, पूरा दिखा देता हूँ। अब ये जो मैप सेंसर मैं दिखाता था पहले, जितने भी वीडियो डाले उसमें छोटा सा मैप सेंसर होता था, यानी इतना सा, इतना बड़ा मैप सेंसर होता था। लेकिन अब इसका देख लो, मैप सेंसर के अंदर भी क्वालिटी अलग ही है, अच्छा है। ये इसका फिलिंग वाल मुझे वही सेम टू सेम लगा, मतलब डिजाइन में थोड़ा बहुत वजन में थोड़ा लग सकता है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा वजन का हो सकता है और मजबूत हो सकता है, लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी सेम सी लगी। अब ये आ जाता है इंजेक्टर, तो ये इंजेक्टर यूनिक है। तो इसमें लेकिन वो जो नोजल लगते हैं वो तो 4 ही है ना? हाँ, 4 ही आते हैं, 4 ही। लेकिन ये 8 इंजेक्टर गाड़ी के अंदर लगता है, लग जाता है, वही लगता है। मतलब 6 सिलेंडर गाड़ी है कोई उसके अंदर, है ना? 6 सिलेंडर, जो भी 4 सिलेंडर से ज़्यादा गाड़ी वो गाड़ी है उसके अंदर ये लग जाएगा। ये इसके नोजल हो गए, यानी इसका इंजेक्टर की मेन बात की जाए तो इंजेक्टर का जो नोजल का जो पार्ट है, यानी 1, 2, 3, 4, ये सेम सा ही है। लेकिन आपको जो आपके 4 सिलेंडर से ज़्यादा गाड़ी मतलब आती है उसके लिए ये यूज किया जाता है। ये टंकी का वाल्व, ये हो गया आपका टंकी का वाल्व। हाँ, टंकी का वाल्व और ये आपका फिल वाल्व, ये दोनों सेम से ही है, जो मैंने पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये हो गए आपके किट के पार्ट्स, यानी नट बोल्ट और पाइप को कसने के लिए जो आती हैं स्ट्रिप वगैरह, ये सारा ये इसके अंदर दिया हुआ है। और ये आपका प्रेशर नाप के लिए, यहाँ पे प्रेशर देखो मीटर कितना है, इसमें सारा दे रखा है, इसमें आप देख सकते हो। और ये आपका एल्यूमिनियम वायर है, कॉपर वायर नहीं है, एल्यूमिनियम।
और इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ, ये पाइप है, ये टंकी के पास में लग जाता है ये वाला पाइप, इसके अंदर वायर लग जाता है ये, और ये आपके पाइप हो गए इंजेक्टर से जो इंजन के लिए जोड़ने के लिए, ये आपका स्विच हो गया, स्विच कुछ इस तरीके का आता है इसका लेबेटो का। तो यानी एक पूरा दिखाया जाए तो इतना सा पार्ट्स है ये, इसके अंदर मेन पार्ट हो गए वेपोराइजर, ईसीयू और इंजेक्टर, और ये हो गए आपका मैप सेंसर, और इधर जो वाल्व है ये आपके प्रेशर नाप करने के लिए, यानी एक छोटा सा जो पार्ट रहता है वो इतना सा दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको 4 सिलेंडर और 8 इंजेक्टर के जो भी लेबेटो गैसकेट आती है वो मैंने आज दिखा दी है। ये स्पेशल है और महंगी भी है, और लोग बाग इसको भी लगवाते हैं, जैसे अपन की जितनी भी भारी गाड़ियां हैं उस हिसाब से ये गैसकेट बनाई गई है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।